ये तीन तस्वीरें दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी पतन की कहानी कह रहे हैं, जिसमें पार्टी की पराजय का शोक है तो हार के बाद इस्तीफे की राजनीति भी। लोकसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की भारी दुर्गति के बाद पार्टी ऑफिस पर सन्नाटा पसरा रहा। पार्टी का कोई नेता बयान देने के लिए ढूंढे नहीं मिल रहा था। इस सन्नाटे को खत्म किया कार्यकर्ताओं के एक गुट ने, जो हार के बाद फिर से एक बार प्रियंका को लाने की रट लगाए हुए था। वैसे पिछले एक साल से हर चुनाव के बाद पार्टी मुख्यालय पर लगभग यही नजारा दिखाई देता है। प्रियंका को लाने की मांग भले ही पूरी ना हो रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन को देखते हुए नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। चुनाव में कांग्रेस का चेहरा रहे और पार्टी की प्रचार समिति के मुखिया अजय माकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने फौरन इस्तीफा दे दिया। चुनाव के दौरान मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बनकर के गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है, और इस नाते मैंने ये निर्णय किया है, खासतौर के ऊपर जब मैं खुद अपनी खुद की सदर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुझे कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का वैसे तो पिछले चुनावों में भी प्रदर्शन बुरा था, लेकिन तब उसने 8 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल सका। दिल्ली के चुनावी इतिहास में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार है। पार्टी के एक से एक सभी छत्र अब धराशायी हो गए। साल 2008 से नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पाएंगे कि 2009 के चुनावों को छोड़कर पार्टी का जनाधार लगातार सिमट रहा है। हालांकि पार्टी को अभी भरोसा है कि वो फिर से अपनी खोई जमीन वापस पा लेगी। आई थिंक वी हैव नॉट एट द ग्रास रूट लेवल रिवाइव्ड द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल टेक टाइम बिकॉज़ वी लॉस्ट इन मे। I'm sure that the Congress, being a old political movement with a clear ideology, will revive. वैसे पार्टी इन चुनावों में कभी रेस में ही नहीं रही, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और आपके बीच ही सिमटा रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर भी आपने कब्जा जमा लिया। पार्टी के लिए इन चुनावों की राह शुरू से ही मुश्किल भरी रही। अजय माकन को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की नाराजगी से लेकर गलत टिकट वितरण, कमजोर उम्मीदवार और कई नेताओं का पार्टी छोड़ना चुनावी शिकस्त का कारण बना। हालांकि पार्टी अब बिहार का कोई कारण नहीं बता पा रही है। We lost the election so badly, but even at this point, we want to salute the people of Delhi and also those who support the Congress party, we thank them. इन नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस में भारी फेरबदल की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। लगभग अप्रासंगिकता की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी क्या राजनीति की मुख्य धारा में वापसी कर पाएगी, आने वाले वक्त के हाथों में ही इस सवाल का जवाब है। ममता चोपड़ा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD News।